हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय चैनल नेम इज इंडियन रियल लाइफ रियल होम और मैं प्रीति आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मशरूम चिली की रेसिपी, जो कि बहुत ही टेस्टी बनने वाली है, बनाना बहुत ही आसान है। इससे पहले भी मैंने आपके साथ कॉर्न चिली की रेसिपी जो है वो शेयर की है, आप अगर इंटरेस्टेड है तो वहां जाकर वो भी चेक कर सकते हैं। मेरे चैनल के सर्च इंजन में आपको वो रेसिपी भी मिल जाएगी और ऊपर आई बटन पर भी मैं उसकी लिंक दे दूंगी, आप जाकर चेक कर सकते हैं। वो भी बहुत ही हेल्दी वे से घर पर ही हम बना सकते हैं और बहुत ही टेस्टी बनती है। घर में जो भी सामान अवेलेबल है उसी से ये हम कॉर्न चिली भी बना सकते हैं और मशरूम चिली भी बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी और हेल्दी ऐसे। तो आज हम बनाने वाले हैं मशरूम चिली, जो बहुत ही टेस्टी बनती है और बच्चों की ये बहुत ही फेवरेट होती है, साथ ही बड़ों को भी ये बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। तो चलिए, यहाँ पर मैंने मशरूम चिली बनाने के लिए दो पैकेट जो है वो फ्रेश मशरूम के लिए है। यहाँ पर आप जो टिन वाले मशरूम होते हैं बटन मशरूम वो भी ले सकते हैं, उससे भी बहुत ही बढ़िया ऐसी मशरूम चिल्ली बनकर रेडी होती है। तो मेरे पास अभी अवेलेबल ये फ्रेश वाले थे तो मैंने फ्रेश वाले ही लिए। मैंने इन्हें अच्छे से धोकर साफ कर लिया है और जो इस तरह से छोटे थे उन्हें वैसा ही रखा है और जो बड़े थे उन्हें इस तरह से मैंने कट कर लिया है। तो ये मशरूम जो है मैंने अच्छे से साफ कर रेडी कर लिए है। मशरूम किस तरह से साफ करते हैं उसकी डिटेल वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आने वाले दिनों में। तो किस तरह से मशरूम साफ करते हैं वो भी मैं आपको दिखा दूंगी। तो अभी मैं ये बस मशरूम चिल्ली किस तरह से बनाते हैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। गर्म हो चुका है, इसमें हम बिल्कुल थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे और 2 से 3 मिनट के लिए हमें हाई फ्लेम पर ये मशरूम जो है वो बॉइल कर लेने हैं। पर 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और 2 से 3 मिनट में जो है इनमें अच्छे से उबाल आ जाता है। तो पहला उबाल आते ही हमें गैस की फ्लेम जो है वो बंद कर देनी है और ये मशरूम निकाल कर इन्हें हमें अच्छे से ठंडा कर लेना है। ये देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये मशरूम जो है पहले जैसे अच्छे से फूले हुए थे, अब जैसे श्रिंक हो गए है। तो अब ये मैं मशरूम निकाल कर ठंडे कर लेती हूँ। अब हम मशरूम फ्राई करेंगे तो फ्राई करने के लिए हमें जो बैटर बनाना है वो रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक मिक्सिंग बाउल ले लिया है, थोड़ी 1 कटोरी मैदा लिया है और 1 कटोरी मैंने यहाँ पर अरारूट पाउडर ले सकते हैं आप या फिर कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर कॉर्नफ्लोर लिया है 1 कटोरी और टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें नमक ऐड कर देंगे और थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डालकर इसका बैटर बना लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से कंसिस्टेंसी का हमें ये बैटर बना लेना है। अब हमने जो मशरूम बॉईल कर लिए हैं उन्हें जिस तरह से हम पकोड़े डीप फ्राई करते हैं उस तरह से डीप फ्राई कर लेंगे। तो एक साइड मैंने कढ़ाई में जो है ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था। तो अब हम ये मशरूम जो है हमने जो बॉईल कर लिए थे इन्हें डीप फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है, मैंने मशरूम भी अच्छे से जो घोल हमने बना लिया था उसमें एक से कर लिए हैं। अब हम ये मशरूम जो है वो डीप फ्राई कर लेंगे। इस तरह से हमें ये अच्छे से डीप फ्राई कर लेने हैं। इसी तरह से मैं सभी जो मशरूम है वो डीप फ्राई कर लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने सभी मशरूम जो है वो फ्राई कर लिए हैं। यहाँ पर मैंने गैस ऑन कर दिया है और कढ़ाई चढ़ा दी है। मैं हमेशा ही मंचूरियन जो है वो लोहे की कढ़ाई में ही बनाती हूँ। तो इस तरह से मैंने ये लोहे की कढ़ाई ली है और इसमें 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाल दिया है। कुकिंग ऑयल अच्छे से गर्म होते ही हम अगले मसाले जो है वो डालेंगे। तो यहाँ पर ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है और ये हमें एक टिप याद रखनी है कि जो भी हम मंचूरियन या फिर चाइनीज डिश बनाते हैं वो हमें हाई फ्लेम पर ही बनानी होती है। तो गैस की फ्लेम हमें हाई ही रखनी है और यहाँ पर मैं 1 टेबलस्पून मैंने इस तरह से कट किया हुआ लहसुन लिया है, 1 टेबलस्पून अदरक लिया है और 4 से 5 हरी मिर्च मैंने इस तरह से कट कर लिए है। तो पहले हम लहसुन जो है वो डाल देंगे, इसे अच्छे से थोड़ी देर के लिए हमें हाई फ्लेम पर ही भून लेना है। उसके बाद तुरंत ही हम अदरक डाल देंगे और हरी मिर्च भी डाल देंगे। हाई फ्लेम पे हमें ये अच्छे से 4 से 5 सेकेंड के लिए ही फ्राई करने हैं और उसके बाद यहाँ पर 2 मीडियम साइज के मैंने प्याज इस तरह से कट कर लिए हैं और शिमला मिर्च भी मैंने 2 मीडियम साइज की इस तरह से कट कर लिए है। एक साथ ही ये डाल देंगे और 1 मिनट तक हमें इन्हें हाई फ्लेम पर अच्छे से
शैलो फ्राई कर लेना है। एक मिनट तक मैंने ये सब्जियां भी अच्छी से शैलो फ्राई कर ली। इसी में मैं थोड़े से क्रंच के लिए ये गाजर ऐड कर रही हूँ। आपके पास है तो आप ऐड करें या फिर स्किप भी कर सकते हैं। तो मेरे घर में मेरे बच्चों को ये पसंद आता है इस तरह से मंचूरियन में गाजर भी, तो इसलिए मैंने डाला है। और इसे भी हम अच्छे से भून लेंगे। ज्यादा हमें ये सब्जियां पकानी नहीं है, थोड़ी सी ये कच्ची ही रहती है। इसके अकॉर्डिंग नमक ऐड कर दूंगी। तो यहाँ पे हमें याद रखना है कि हमने जब मशरूम डीप फ्राई किए थे तो वो घोल बनाया था, उसमें भी नमक ऐड किया हुआ है। 1/8 टीस्पून ब्लैक पेपर ऐड कर दूंगी। इसे भी हमें अच्छे से एक सा कर लेना है। 2 टेबलस्पून हम इसमें टमाटो केचप ऐड कर देंगे। गैस की फ्लेम हमें अब मीडियम रखनी है। 2 टेबलस्पून चिली सॉस ऐड कर देंगे। इसमें 1 टेबलस्पून विनेगर ऐड कर देंगे। 1 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड कर देंगे। और ये सब हमें अच्छे से एक सा कर लेना है। गैस की फ्लेम हम हाई कर देंगे। सभी हम अच्छे से एक सा कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लिया है, इसे इसका हम घोल बना लेंगे पतला सा, थोड़ा सा पानी डालकर। तो यहाँ पर थोड़ा सा पानी डालकर हम इसका घोल बना लेंगे और वो भी ये घोल भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और थोड़ा सा पानी डालकर हम ये ग्रेवी बना लेंगे मंचूरियन की। तो ये देखिए ये घोल बन गया है, ये भी हम ऐड कर देंगे। और इसे चलाते हुए ये देखिए जैसे हम कॉर्नफ्लोर का घोल डालते हैं ये गाढ़ा होने लगता है। तो इसी के साथ हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। और आधी कटोरी में यहाँ पर पानी ऐड कर रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, पानी डालकर 1 मिनट तक मैंने ये अच्छे से गर्म कर लिया है सॉस और सभी मसाले। अब हम इसमें हमने जो मशरूम डीप फ्राई कर लिए थे ऑयल में वो डाल देंगे और इसे 1 मिनट तक अच्छे से चलाते हुए पका लेगी। फ्रेंड्स 1 मिनट तक मैंने चलाते हुए ये मशरूम चिली अच्छे से पका ली है। अब हम हरा धनिया डालकर इसे गार्निश कर लेंगे और गैस ऑफ कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी मशरूम चिली बनकर रेडी हो गई है। ऊपर से हमें बस हरा धनिया और जो ग्रीन कैबेज होता है उससे इस तरह से कट करके ये गार्निश कर लेना है। और यहाँ पर हमारी मशरूम चिली बनकर रेडी हो जाती है बहुत ही जल्दी, बहुत ही डिलीशियस और सबको पसंद आने वाली हेल्दी। ऐसे वैसे हम ये मशरूम चिली घर पर ही बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपके लिए जरा भी हेल्पफुल होती है तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको इसी तरह से नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।